क्योंकि देखो हमेशा हमें कस्टमर की बात को सुनना है पहले, वो क्या चाहते हैं। ऐसा होता है कि जब हम फील्ड में जाते हैं ना, तो हमको खुले दिमाग से जाना होता है। ईटीएफ है या एफडी है, वो बैक ऑफ द माइंड हमारे हमेशा ये रहता है कि ये मैं इसको तोड़वा सकता हूँ। जो कोई अच्छी आदत होती है ना, वो हमें ना कल्टीवेट करनी होती है, समझानी होती है, उनके अंदर ये डालनी होती है। नमस्कार, मैं रंजीत सिंह, बीआईटीवी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको मिलाने वाला हूं मिसेस सरिता शर्मा जी से। सरिता शर्मा जी पिछले 14 सालों से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हैं। वो एक सीओटी इंश्योरेंस एडवाइजर हैं। बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से वो अपने इंश्योरेंस एडवाइजरी के काम को कर रही हैं। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ में कुछ और इंश्योरेंस एडवाइजर भी जुड़े हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, और ये इंश्योरेंस एडवाइजर सरिता जी से अपने इंश्योरेंस के काम में जो वो चैलेंजेस फील कर रहे हैं, उन चैलेंजेस को सरिता जी के सामने रखेंगे और सरिता जी उनके चैलेंजेस के सॉल्यूशन उन्हें देने वाली है। तो चलिए मिलते हैं सबसे पहले सरिता जी से। सरिता जी, मैं आपका इंश्योरेंस एडवाइजर के चैलेंजेस के आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सरिता जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, सर। नमस्कार रंजीत जी, नमस्कार। नमस्कार। तो सरिता जी, आज के इस प्रोग्राम में कुछ इंश्योरेंस एडवाइजर भी हमारे साथ में जुड़े हैं और मैं आपको उनसे मिलाना चाहता हूँ। वो अपने बिजनेस में जो चैलेंजेस फील कर रहे हैं वो चैलेंजेस आपके साथ में शेयर करेंगे और आप जो है उनके चैलेंजेस के सॉल्यूशन आप उन्हें देने वाली है। तो सरिता जी, हमारे साथ में जुड़े हैं मिस्टर नीरज कुमार जौनपुर से। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जी। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, नमस्कार मैम। हमारे हमारे साथ में जुड़े हैं मिस्टर चंद्रकांत, चंद्रकांत जी नागपुर से। चंद्रकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में जुड़े हैं मिस्टर संजय कटियार यूपी से। संजय कटियार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए सरिता जी, सबसे पहले मैं नीरज जी से रिक्वेस्ट करूंगा। नीरज जी, आपके मन में क्या प्रश्न है, क्या चैलेंजेस से आप उलझ रहे हैं, आपकी ना लड़ाई चल रही है किस चैलेंजेस चैलेंज के साथ, आप सरिता जी के सामने वो अपना चैलेंज रखिए। ओटी नमस्कार सर, नमस्कार मैम। मैं नीरज तिवारी जौनपुर से हूँ। पिछले 3 साल से लाइफ इंश्योरेंस में वर्क कर रहा हूँ। हमारे साथ चैलेंजेस ये आते हैं कि बोलते हैं लोग टर्म इंश्योरेंस प्लस म्यूचुअल फंड या टर्म इंश्योरेंस प्लस पीपीएफ या एनी जो ऑप्शंस हैं वो लेने के बजाय वो टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, ना कि इंक्रीमेंट प्लान लेना पसंद करते हैं। ये था क्वेश्चन। यस। सरिता जी, क्या इसका उत्तर देंगी? ये एक बहुत ही जेन्यून चैलेंज है और बहुत सारे लोगों को ये चैलेंज का सामना करना पड़ता है इंश्योरेंस एडवाइजर को। तो आप अपने तरीके से कैसे ये ऑब्जेक्शन हैंडल करती हैं? ओवर टू यू सरिता जी। नमस्कार नीरज जी। अभी आपने बोला कि जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो ये आता है कि लोग हमें टर्म इंश्योरेंस के लिए बात करते हैं। देखो, आप इस इंडस्ट्री में आए हैं और आप इसमें लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहते हैं, लंबे समय तक काम करना चाहते हैं, तो आपको टर्म इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस को भी समझना होगा। ठीक है, वो भी एक मैंडेटरी पार्ट है इंश्योरेंस इंडस्ट्री का। तो ये डिपेंड करता है, लोग कहते हैं कि हम टर्म इंश्योरेंस लेंगे, तो आपको पता है कि हमारे प्रोडक्ट्स में टर्म इंश्योरेंस भी है, आप उन्हें बताएं। परंतु टर्म इंश्योरेंस के साथ उनके पोर्टफोलियो के रिस्क को मीट करने के लिए हमारे एंडोमेंट प्लान्स की भी जरूरत होती है। ठीक है, तो जो टर्म इंश्योरेंस है वो सिर्फ रिस्क को कवर करता है, वो ट्रांसफर ऑफ रिस्क टू इंश्योरेंस कंपनी है। परंतु हम तो मैं तो यही चाहूंगी, या आप अपने क्लाइंट से बात कर सकते हैं कि हम ये चाहते हैं कि आप बहुत लंबी उम्र जिए और आप पॉलिसी की मेच्योरिटी ले, उसका भी तो प्रोविजन करना। फ्यूचर के लिए भी तो हमें देखना है कि अगर हम जीवित रहते हैं तो क्या। तो जो एंडोमेंट प्लान्स हैं या जो अदर पॉलिसीज हैं वो हमारे अंदर एक हैबिट डेवलप करती हैं सेविंग की। इट्स अ हैबिट, और उसमें आप एक डिसिप्लिन सेविंग करते हैं जो किसी भी और प्रोडक्ट के अंदर नहीं करते कर पाते। क्योंकि कोई भी और प्रोडक्ट है, जैसे आपने बोला पीपीएफ है या एफडी है, वो बैक ऑफ द माइंड हमारे हमेशा ये रहता है कि ये मैं इसको तोड़वा सकता हूँ, मतलब उसका उस प्रोडक्ट का फीचर है ये। परंतु अगर हम कोई एंडोमेंट प्लान लेते हैं तो उसके अंदर ये है कि वो कमिटमेंट उनका हो जाता है कि मुझे इसको जितनी भी इसकी टर्म है
वो टर्म मैं इसको पूरा करूंगा, तो उनकी एक जो सेविंग की जो हैबिट है, जो एक डिसिप्लिन्ड वे में वो सेविंग कर पाते हैं, और साइमल्टेनियसली उनकी फैमिली भी प्रोटेक्टेड रहती है। बिकॉज इसमें आप देखो ना, इसमें कैपिटल जो है वो प्रोटेक्टेड है। यहाँ पर आप उनको समझाने की कोशिश करो कि प्रीमियम का एक एक 3-4% का प्रीमियम आप पे कर कर पूरी कैपिटल, फॉर एग्जाम्पल हमने 10 लाख का इंश्योरेंस दिया उनको, तो उसका प्रीमियम कितना बनता है? 30 हजार 40 हजार रुपए के करीब है। बट आप एक कैपिटल को प्रोटेक्ट कर रहे हो 10 लाख की, और फिर हर साल उस प्रीमियम जो आप प्रीमियम दे रहे हो, लेकिन जो आपकी कैपिटल की जो जो बढ़ रही है वो कैसे बढ़ रही है? 10 लाख प्लस जो हर साल उसके ऊपर बोनस आएगा, ऐसे करके। लेकिन जो टर्म इंश्योरेंस है उसकी इंपोर्टेंस को आप अलग नहीं कर सकते, ये आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आपको समय के साथ चलना है। तो आप उनको सबसे पहले अगर वो टर्म, क्योंकि देखो हमेशा हमें कस्टमर की बात को सुनना है पहले, वो क्या चाहते हैं, अपनी बात आपने बाद में रखनी है अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो दोनों चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया सरिता जी, आपने बहुत ही प्रिसाइस आंसर दिया है। नीरज जी, आपको ये चीज़ को समझना होगा कि टर्म इंश्योरेंस का अपना इम्पोर्टेंस है, टर्म इंश्योरेंस का अपना महत्व है, तो उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। कभी भी किसी कस्टमर से फाइट मत कीजिएगा कि नहीं भैया हमारा एंडोमेंट प्लान ही बेस्ट है। नहीं, टर्म इंश्योरेंस भी बेस्ट है, और एंडोमेंट प्लान का जो इम्पोर्टेंस है वो आप इम्पोर्टेंस अलग से रखिए अपने कस्टमर के सामने, और बहुत अच्छी तरीके से सरिता जी ने उसे समझाया है। बहुत 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 धन्यवाद नीरज जी आपके इस प्रश्न के लिए। और अब मैं आना चाहूंगा चंद्रकांत जी के पास। चंद्रकांत जी, क्या नमस्कार मैडम। चंद्रकांत जी पूछिए, क्या आपके मन में प्रश्न है सरिता जी से पूछने के लिए? नमस्कार सरिता मैडम, मैं पिछले 1986 से इंश्योरेंस के बिजनेस में हूँ, और अभी ऐसा हो रहा है कि अभी LIC के लिए जाते हैं लोगों के पास तो वो थोड़ा सा मुंह फेर लेते हैं, तो हमें सहारा लेना पड़ता है फिर म्यूचुअल फंड, हेल्थ इंश्योरेंस या इस तरह से, क्योंकि वो कस्टमर बना रहे हमारे साथ। इसके ऊपर क्या है अभी कुछ सोल्यूशन आपके? तो हाँ चंद्रकांत जी, आपने क्या जी पूछा कि लोग जो है म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं, LIC के बारे में बात नहीं करते हैं लोग, आपका ये प्रश्न था। जी जी देखो सरिता जी, ओवर टू यू। हाँ चंद्रकांत जी, मैं आपसे ना अभी तक जो हो चुका उसकी बात नहीं करूंगी, अब जो होने वाला है हम सब लोगों के साथ मैं उसके बारे में बात करूंगी, ठीक है? समय बदल रहा है और हमें बदलना होगा, ये समय की डिमांड है। दूसरी चीज, जैसे आपने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो ऐसा, मेरे हिसाब से ऐसा तो नहीं होगा कि वो क्या टोटली डिनाई करते हैं। आपका कहना यह है कि वो नहीं, टोटली डिनाई करते हैं इंश्योरेंस को, LIC को, या किस तरह से आप बताना चाह रहे हैं? थोड़ा सा और क्लियर करो टोटली मुझे। टोटली डिनाई नहीं करते। जैसा कि मैंने बताया कि हमेशा हमें सबसे पहले कस्टमर फर्स्ट, उसकी बात को तो समझना पड़ेगा, और उसका पोर्टफोलियो डिजाइन करना पड़ता है, ठीक है? कि आपका जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर 3 अलग अलग तरह के रिस्क है ना? और क्या है, देखो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे अगर म्यूचुअल फंड की बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ये चीज ऐसी है जो बीच में ब्रेक हो सकती है, लेकिन इंश्योरेंस प्लान के साथ आपका एक कमिटमेंट रहता है जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है। दूसरा, इसके अंदर कैपिटल प्रोटेक्शन है जो किसी भी अदर प्रोडक्ट के अंदर नहीं है। तो सब ऐसा होता है कि जब हम फील्ड में जाते हैं ना, तो हमको खुले दिमाग से जाना होता है। सबसे पहले हमें कस्टमर से उसकी बात समझनी होती है, और वो जो भी कह रहा है उसको यस करना होता है, अग्री करना होता है, और ये कहना होता है कि सर बिल्कुल ठीक है, आप अदर प्रोडक्ट्स भी लीजिए, बट मेरी एक्सपर्टीज जो है वो इंश्योरेंस में है, और मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फीचर्स हैं, किस एज में आपको पेंशन की जरूरत पड़ेगी, मैं उसकी प्लानिंग करूंगा। जब आप ऐसे, जब उन उसके लिए कंसर्न दिखाएंगे ना, एक ऐसी चीज है कि आप थोड़ा सा पैसा देकर आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो, आप अपने लिए पेंशन का प्रोविजन कर सकते हो, तो उससे क्या होता है कि कस्टमर फिर आपकी बात को सुनना पसंद करता है, और फिर आप अपने हिसाब से उनको बता सकते हो। लेकिन अपने माइंड में ना खुला सोच कर जाया करो, वो तो पूछेगा ही, इतना सब कुछ ओपन है, ऑनलाइन है, हर चीज है, वो पूछेगा, वो क्वेश्चंस तो करेगा, तो हमको रिजिड नहीं होना, मतलब सिर्फ हमें अपनी बात पर ही अटक कर नहीं रहना, ये चीज है। बाकी आप और पूछ सकते हो, और अच्छे परफेक्ट से परफेक्ट परफेक्ट। आई थिंक चंद्रकांत जी बहुत ही प्रिसाइज
उत्तर सरिता जी ने दिया है, आपको अपने कस्टमर का एक पोर्टफोलियो बनाना होगा, नो, और पोर्टफोलियो बना के उनको समझाना होगा कि ये चीजों की भी आपको जरूरत है, ये चीजों की भी जरूरत है, इसकी भी जरूरत है, और उसमें थोड़ी सी जरूरत आपको LIC की भी है, इंश्योरेंस की भी है, एंडोमेंट प्लान की भी है। तो कहीं जो है कस्टमर आपसे आपसे बातचीत करेगा, क्योंकि उसे ऐसा महसूस होगा कि मुझे एक प्रोफेशनल एडवाइस दी जा रही है। परफेक्ट सरिता जी। मैं ये बता रही थी कि जैसे देखो कोई भी इन्वेस्टमेंट होते हैं ना, उसमें तीन तरह के रिस्क होते हैं, ठीक है। तो जब आप कुछ ऐसी बातें उनको समझाओगे बताओगे तो वो आपको सुनना पसंद करेंगे, तो उनका इंटरेस्ट आएगा कि किस तरह के रिस्क होते हैं। फिर आप उनको बताओगे कि जैसे लाइफ रिस्क है, जो हमारा इंश्योरेंस प्रोडक्ट है वो आपके लाइफ के रिस्क को कवर करता है, उसी तरीके से कैपिटल रिस्क है, अगर हम ये आपकी कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है, तो ये चीजों को सुन के उसको लगेगा कि हाँ ये मेरे वेलफेयर की बात कर रहा है। इसी तरीके से जैसे कितनी बारी क्या होता है कि जब हम म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें रिटर्न का रिस्क भी इन्वॉल्व है, परंतु यहाँ पर गारंटीड मैच्योरिटी अप्रोक्स, मतलब जितना गारंटीड मैच्योरिटी किया उसका वादा आप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू बोनस रेट। तो जब आप इस तरीके से अपनी बातों को प्रेजेंट करेंगे बताएंगे तो 100% वो आपकी बात को सुनना पसंद करेंगे। परफेक्ट परफेक्ट सरिता जी, बहुत ही प्रिसाइज हमें आंसर मिला इसका। चंद्रकांत जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आना चाहूंगा मिस्टर संजय कटियार जी के पास। संजय जी, या जी सर, मैं 5 साल से इंश्योरेंस कर रहा हूँ। बड़े बड़े कस्टमर है जो डालते रहते 15 दिन बाद आना, 20 दिन बाद आना, 1 महीने बाद आना, प्रोक्रेस्टिनेशन। सरिता जी, कस्टमर जो है वो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, भाई 15 दिन के बाद आ जाना, 1 महीने बाद आ जाना, ये सिलसिला चलता रहता है। इसका क्या उत्तर है सरिता जी? बिल्कुल बिल्कुल, प्रोक्रास्टिनेशन होता है क्योंकि उनको तो वैल्यू ही नहीं है ना, उनको पता ही नहीं है कि आप कितनी वैल्यूएबल चीज, कितने एक्चुअली। इस चीज का आंसर मैं ऐसे देना चाहूंगी संजय जी कि क्या होता है कि जो कोई अच्छी आदत होती है ना, वो हमें ना कल्टिवेट करनी होती है, समझानी होती है, उनके अंदर ये डालनी होती है। आप अपने बच्चे को ही देखो, बच्चे जो होते हैं ना वो बुरी चीज थोड़ी करती है, वो खुद से ही उनके अंदर आ जाती है, है ना, वो कहीं ना कहीं से अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन जो अच्छी हैबिट्स होती हैं उसके लिए हमें पेशेंस चाहिए होती है, उसके लिए हमें उन्हें बार बार बताना होता है, समझाना होता है। प्रोक्रास्टिनेशन के भी ना 3-4 रीजन हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कोई भी क्लाइंट जो होता है ना, सच में ही हो सकता है कि वो अभी इस कंडीशन में ना हो कि वो पे कर सके, वो प्रीमियम दे सके, हो सकता है उनकी कुछ पर्सनल अपनी प्रॉब्लम भी चल रही है। और ऐसा मैंने देखा है, मेरे साथ भी प्रोक्रास्टिनेशन हुआ, 3 साल 4 साल 5 साल हमें पेशेंस रखनी पड़ती है, और वो शाय होते हैं अपनी पर्सनल चीजों के बारे में बताने के, हो सकता है उनको फाइनेंशियल क्राइसिस हो, हो सकता है फैमिली में दुख हो। एक कारण ये होता है। दूसरा कारण ये होता है कि जो बात जिस अंदाज में आप उनको बताना चाह रहे हैं वो उनको अपने फायदे की नहीं लग रही है, ऐसा होता है ना। तो वो जितनी ज्यादा आपको नॉलेज होगी, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट तो सबसे लास्ट में बिकता है, सबसे पहले आपको अपने आपको बेचना होता है एक तरीके से उनको। ये कितनी बारी लोग ना आपको जज कर रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि ये कितना कमिटेड है अपने काम के प्रति, वो आपकी पेशेंस को भी चेक कर रहे होते हैं, क्या ये मेरे लेवल के हैं, क्या मैं जो ये सारा का सारा बिजनेस या जो ये पैसा क्या मैं इनको दे सकता हूँ, वो आपको चेक कर रहे होते हैं, वो आपको देख रहे होते हैं। और जब एक बारी उनका ट्रस्ट डेवलप हो जाता है तो फिर वो सारे, मेरे साथ ऐसा हुआ कि लोगों ने अपना A to Z, मतलब एक एक रिसीट, एक एक पेपर, हर चीज मुझे लोग पूरा का पूरा हैंड ओवर कर देते हैं कि अब आप देखोगे। लेकिन किसी केस के अंदर हमें 2 साल 3 साल 5 साल, कोई कोई केस इमीडिएट हो जाता है, तो ये तो पार्ट ऑफ जॉब है ही है हमारा। तो हमें अपने आप को और अपग्रेड करना है और नॉलेजेबल बनाना है और उनको कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू क्रिएट करनी है कि ये आपके लिए जरूरी है। जैसा मैंने बोला ना, बैड हैबिट्स बहुत जल्दी आती हैं, इनके लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए होती है वो कल्टीवेट करने के। बहुत सारे तरीकों से थ्रू मैसेज, कोई अच्छा डेली बेसिस पे मैसेज करने की जरूरत नहीं है, उससे भी इरिटेट होते हैं क्लाइंट्स। लेकिन आपका व्हाट्सएप स्टेटस या कोई फेसबुक के थ्रू या एक पर्सनल मैसेज या कोई इस तरीके का कोई वीडियो 15 दिन में एक बार आप उनकी नजर में रहें,
हर वक्त नहीं लेकिन बीच बीच में उनके साथ 10-15 दिन में सामने आते रहे तो 100% उनको लगेगा, वो भी आपकी पेशेंस को जज करते, फिर आता है काम। और ये हर एडवाइजर के साथ होती है ये दिक्कत, आप ऐसा ना सोचो कि जो टीओटी हैं या वो हैं तो उनको मिल जाता है, नो, ये हमारे काम का एक पार्ट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया संजय जी, इससे बेहतर उत्तर हो ही नहीं सकता था मुझे ऐसा लगता है। सरिता जी, बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही सुंदर आपने उत्तर दिया, और डेफिनेटली जो है अगर इस चीज को समझ में रखकर संजय जी अगर आप काम करते हैं तो आप जो है दोबारा कभी ऐसा महसूस नहीं करेंगे कि लोग मुझे प्रोक्रेस्टिनेट क्यों कर रहे हैं, डिले क्यों कर रहे हैं। यू नो, ये समझ रखकर अगर काम करेंगे तो ये आपके बहुत ज्यादा फायदेमंद है। सरिता जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने जो है इतने प्रिसाइसली, इतने सुंदर तरीके से सारे ही प्रश्नों का उत्तर दिया। इस ये तीनों ही प्रश्नों के उत्तर मुझे ऐसा लगता है कि इससे बेहतर नहीं हो सकते थे। बहुत बहुत थैंक धन्यवाद सरिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यू चलिए, तो अब हम आ गए हैं इस प्रोग्राम के अगले राउंड में, और अगले राउंड में मैं हमारे साथ में जो 3 पार्टिसिपेंट जुड़े हैं मैं उनको ये बताना चाहता हूँ किस प्रकार से एक इंश्योरेंस एडवाइजर के चैलेंजेस हैं। इन सारे ही चैलेंजेस के आपको सरिता जी ने आंसर दिए, लेकिन BITV ने गुरुकुल नाम से एक ऐसा प्रोग्राम शुरू किया है जिसकी मदद से एक इंश्योरेंस एडवाइजर के प्रैक्टिकली सारे ही जो है चैलेंजेस सॉल्व होते हैं। इसके अलावा भी और जितने भी चैलेंजेस हैं सारे चैलेंजेस गुरुकुल सॉल्व करता है, और ना ही सिर्फ चैलेंजेस सॉल्व करता है बल्कि उन्हें प्रोस्पेक्टिंग में भी बहुत ज्यादा मदद करता है। चलिए, अब मैं हमारे साथ जो पार्टिसिपेंट जुड़े हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि गुरुकुल को लेकर उनके मन में क्या प्रश्न आता है। तो सबसे पहले मैं आऊंगा नीरज जी आपके पास। नीरज जी, जी सर, ये गुरुकुल सर है क्या, और गुरुकुल में कितने कितने प्रकार के कोर्सेस हैं, और कोर्सेस का क्या टाइम रहने वाला है, और ये कोर्स कितने मंथ के लिए चलेगा या डे वाइज रहेगा, क्या कैसा है, अबाउट गुरुकुल गुरुकुल है क्या, इसके दैट्स विषय में ऑल, बताइए। इतने ही प्रश्न नीरज जी। चलिए अगले राउंड में पूछते हैं। वैसे भी गुरुकुल तो चलिए बहुत चलिए, सारे करेक्ट हैं, लेकिन BIT भी गुरुकुल ही क्यों? करेक्ट करेक्ट। चलिए मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूं कि गुरुकुल क्या है। जी गुरुकुल सर, क्या है, तो गुरुकुल दरअसल ये एक, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि कुछ इंश्योरेंस एजेंट कई बार एक साथ में मिलते हैं और आपस में मिलकर जी जो है एक दूसरे को हेल्प करते हैं, अपने अपने नॉलेज को शेयर करते हैं, तो एक छोटा सा स्टडी सर्कल बना लेते हैं। कई बार हमने कुछ एरिया में ऐसा देखा है कि 10-12 इंश्योरेंस एजेंट मिल जाते हैं, या 4-5 इंश्योरेंस एजेंट मिलके एक दूसरे को अपने आइडियाज देने का काम करते हैं। कई बार हमने थोड़ा जी सा प्रोफेशनली इसको देखा है कि एक शहर के कुछ इंश्योरेंस एजेंट आपस में मिल जाते हैं, किसी होटल में मिलते हैं, थोड़ा पैसा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, और फिर प्रोफेशनली थोड़ा एक दूसरे को जो है नॉलेज देने का काम करते हैं, और इसे स्टडी सर्कल कहते हैं। अब जी सर, BITV गुरुकुल के बारे में जो मैंने बात की, ये भी एक स्टडी सर्कल है, लेकिन इसका दायरा हमने बढ़ा दिया है। ये एरिया लेवल पे नहीं चलता है, शहर लेवल पे नहीं चलता है, या देश लेवल पे नहीं चलता है, ये इंटरनेशनल लेवल पे चलता है। तो हमने वही चीज जो एक एरिया में 4-5 इंश्योरेंस एजेंट मिलकर एक दूसरे को नॉलेज देते हैं, हमने उसको इंटरनेशनल लेवल पर कर दिया है। पूरे जी दुनिया से वो सारे इंश्योरेंस एजेंट जो है हमारे साथ में स्टडी सर्कल में जुड़ जाते हैं जो कि हिंदी भाषा जानते हैं। हमने इसका हिंदी भाषा रखा है स्टडी सर्कल का। तो कुछ इंश्योरेंस एजेंट हमारे साथ में दुबई से भी जुड़े हैं, तो ये एक स्टडी सर्कल है। तो गुरुकुल क्या है आपने पूछा, तो गुरुकुल एक स्टडी सर्कल है जिसमें कि पूरी दुनिया से इंश्योरेंस एजेंट एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं, और यहाँ पर हम जो है सक्सेसफुल इंश्योरेंस एजेंट के को मौका देते हैं हर महीने जो है अपने बिजनेस आइडियाज दूसरों के साथ में शेयर करने का। तो गुरुकुल का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, आगे और भी समझेंगे, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। चंद्रकांत जी आपके पास आना चाहूंगा और आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके मन में क्या प्रश्न आता है। चंद्रकांत जी नमस्कार, जी नमस्ते सर। नमस्कार चंद्रकांत जी, पूछिए। ये BITV जब से मुझे पता लगा है तब से मैं देख रहा हूँ, और मैं देख रहा था कि आपने काफ़ी अच्छा ये प्रोग्राम को शुरू किया है, अच्छे अच्छे एजेंटों को इस प्लेटफॉर्म पर लाया, हमने सुना भी है फ्री में। अभी आपने ये गुरुकुल का नाम देकर एक पैसा लेकर आप शुरू करना चाहते हैं, तो कितना फी वगैरह रहेगा, उसका क्या है, और इसका ये करने का कारण आपने अभी बता ही दिया है, तो फी वगैरह कितना रहेगा और क्या इसका आगे उपयोग हो सकता है, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए सर। तो कहीं आपके मन में ऐसा तो नहीं आ रहा चंद्रकांत जी कि आप फीस क्यों ले रहे हैं? हाँ, फी काफी बहुत ज्यादा है, मैंने सुनने में आया है। फ्री था तो अभी फीस लेना क्यों चालू कर दिया?
तो चंद्रकांत जी देखिए, फीस लेना इसलिए चालू किया क्योंकि फ्री में जो चीजें करते हैं ना उसका एक दायरा होता है, वो एक दायरा है यू नो, और उसको प्रोफेशनली करने के लिए, बड़े लेवल पे करने के लिए, ज्यादा रिजल्ट निकालने के लिए हमें फीस का सहारा लेना पड़ता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं यू नो। इसमें ऐसा नहीं है कि मैं अकेला गुरुकुल को चला रहा हूँ, बहुत सारे इम्प्लॉयज भी इसमें जुड़े हुए हैं, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसमें होता है, एंड दैट इज द रीजन हमको फीस लेके ये सारी चीजों को यू नो मैनेज करना होता है। एंड दिस इज अगेन एंड ऑफ द डे, ये BITV जो है ये हमारा पार्ट टाइम काम नहीं है, दिस इज आवर फुल टाइम जॉब। तो हर आदमी जो है इससे अर्निंग कमाना चाहता है, जैसे कि LIC आपका फुल टाइम काम है, तो आप LIC का काम फ्री में नहीं करेंगे, अगर आपकी कमीशन निकल जाएगी तो आप नहीं करोगे, आपको मोटिवेशन इसी में है क्योंकि वहां से आपको कमीशन मिल रही है, इसीलिए आप अपना टाइम डाल रहे हो। BITV गुरुकुल जो है ये भी यू नो BITV का फुल टाइम काम है, इसीलिए इसमें हर किसी के फायदे के लिए हमने फीस रखी है और इसमें मैक्सिमम चीजें इंश्योरेंस एजेंट को देने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज द रीजन वी हैव केप्ट अ फीस। और आपने पूछा इसकी फीस कितनी है, तो देखिए इसकी एनुअल फीस, ये एक एनुअल प्रोग्राम है BITV गुरुकुल, गुरुकुल ये एक एनुअल प्रोग्राम है, इसकी एनुअल फीस 12,000 रुपए है, लेकिन अभी फिलहाल हमने इसमें डिस्काउंट रखा है, एक बड़ा डिस्काउंट रखा है, तो साल भर की फीस हमने इसकी 8,000 रुपए रखी है अभी यू नो, 12,000 रुपए है लेकिन अभी डिस्काउंट के साथ साल भर की फीस इसकी 8,000 रुपए है। चलिए मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, और संजय कटियार जी अब मैं आपके पास आना चाहूंगा। संजय जी जानना चाह रहे हैं गुरुकुल जो कार्यक्रम है इसमें ट्रेनर कौन कौन होगा जो अभी जानकारी दे। तो संजय जी इसमें ये गुरुकुल जैसा कि मैंने बताया ये एक स्टडी सर्कल है, स्टडी सर्कल इसमें पूरे दुनिया से इंश्योरेंस एजेंट जुड़ते हैं, तो इसमें ट्रेनर कोई ट्रेनर नहीं होता है, इसमें इंश्योरेंस एजेंट, सक्सेसफुल इंश्योरेंस एजेंट को ही हम ट्रेनर बनाते हैं, उनके ही बिजनेस आइडियाज जो है हम यहाँ पर शेयर करते हैं, तो बाहर से कोई ट्रेनर नहीं बुलाते हैं, यहाँ पर जो ट्रेनर होते हैं वो इंश्योरेंस एडवाइजर ही होते हैं। इंश्योरेंस एडवाइजर खुद किस प्रकार से काम कर रहा है, उसके काम करने का तरीका क्या है, सक्सेसफुल इंश्योरेंस एजेंट हर महीने यहाँ पे डिस्कस करते हैं। दैट्स हाउ इट इज। प्रोग्राम ऑफलाइन रहेगा ऑनलाइन रहेगा? ये जो स्टडी सर्कल है यू नो, स्टडी सर्कल जो है इसमें हम महीने में 2 बार मिलते हैं, 2 बार हमारी मीटिंग होती है, एक मीटिंग हर 15-15 दिन में मीटिंग होती है ऐसी, तो पहले 15 दिन में हर महीने के दूसरे शनिवार को हमारी मीटिंग होती है, सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक 4 घंटे की पहली मीटिंग होती है, दूसरी मीटिंग यू नो उस महीने के चौथे शुक्रवार के दिन होती है, दूसरी मीटिंग हमारी 2 घंटे की होती है। तो पहली मीटिंग में यू नो हम नॉलेज देने का काम करते हैं, दूसरी मीटिंग में जो नॉलेज लिया है उसका रिविजन करते हैं, ये दोनों ही ऑनलाइन मीटिंग होती है। आपका प्रश्न था ऑनलाइन होती है ऑफलाइन होती है, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम ऑनलाइन प्रोग्राम है, ऑनलाइन मुलाकात करते हैं हम लोग दोनों ही बार, महीने में 2 बार मिलते हैं, एक बार नॉलेज लेने के लिए मिलते हैं, एक बार हम जो नॉलेज लिया था उसके रिविजन के लिए मिलते हैं यू नो, तो ये ऑनलाइन मीटिंग होती है। आपके प्रश्न का उत्तर आपके पास वापस आऊंगा। नीरज जी आपके मन में क्या प्रश्न आता है पूछिए। सर इसका पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं क्या, आप क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट किया जा सकता है? यस नीरज जी, इसका पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, और जैसा आप चाहे वैसा कर सकते हैं, हर मोड अवेलेबल है इसके पेमेंट के, तो उसकी कोई चिंता नहीं। चंद्रकांत जी क्या प्रश्न आता है आपके मन में बोलिए। हाँ मेरे मन में भी ऐसा प्रश्न आ रहा है कि ये कैलेंडर ईयर कौन सा रहेगा, कब से स्टार्ट रहेगा? देखिए इसमें कैसा होता है कि आपने जब जब कभी आपकी एंट्री हुई वहां से लेकर 10 महीने तक आप हमारे साथ में रहते हैं, तो कैलेंडर ईयर जब आपने शुरू किया वहीं से आपका कैलेंडर ईयर 10 महीने के लिए चालू हो गया, तो टोटल हमने आपको 10 महीने आपके साथ में देने हैं यू नो, तो 10 महीने का आपका कोर्स है, जहां से आप हमारे साथ जुड़ते हैं वहीं से आपके जो है पहला दिन पहला महीना शुरू हो जाता है। यस, और कोई प्रश्न है किसी के मन में? नीरज जी, संजय जी, और कोई प्रश्न आता है पूछ सकते हैं। नीरज जी नो सर। चलिए बहुत बढ़िया। एक मैं चीज आपको और बताना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम आपको प्रोस्पेक्टिंग में भी मदद करता है, तो नॉलेज तो हमें मिलता ही है, यहाँ पे 4 पिलर पर हम काम करते हैं BITV गुरुकुल में, हम 4 पिलर पर काम करते हैं, एक तो हम नॉलेज पर काम करते हैं, दूसरे इंश्योरेंस सक्सेसफुल इंश्योरेंस एडवाइजर के बिजनेस आइडियाज लेने का हम काम करते हैं, नॉलेज पे काम करते हैं, दूसरा चीज हमें उनसे मोटिवेशन मिलता है, तो मोटिवेशन पे काम करते हैं क्योंकि हमारे ही जैसे इंश्योरेंस एडवाइजर कामयाब हो गए,
तो उन्हें देख के मोटिवेशन मिलता है। नंबर तीन, हम कंपटीशन पे काम करते हैं, यहाँ पर हम जो है जो बेहतरीन इंश्योरेंस एडवाइजर होता है उन्हें यू नो बेस्ट बीआईटीवी गुरुकुल ऑफ द ईयर का अवार्ड देते हैं। तो कंपटीशन चलता है, जो सबसे बेहतर होगा उसे ही अवार्ड दिया जाएगा। तो नॉलेज पे काम होता है, मोटिवेशन पे काम होता है और कंपटीशन पे काम होता है। और चौथी चीज, हम प्रोस्पेक्टिंग पे भी काम करते हैं। तो प्रोस्पेक्टिंग पे कैसे काम करते हैं, तो प्रोस्पेक्टिंग के लिए हमने जो है कॉम्पिटिशन यू नो बच्चों के कॉम्पिटिशन क्रिएट किए हैं। बच्चों के कॉम्पिटिशन, भविष्य में बड़ों के कॉम्पिटिशन भी करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल बच्चों के कॉम्पिटिशन चल रहे हैं। तो आप बच्चों को यू नो कॉम्पिटिशन में इन्वॉल्व कर सकते हैं, और जो बच्चे जीतेंगे उन बच्चों को हम अवार्ड देते हैं, अच्छे बड़े अवार्ड देते हैं। तो इस कंपटीशन के द्वारा बच्चों को हम अपने साथ में एनरोल कर लेते हैं। तो कंपटीशन में बच्चे आते हैं तो उनके पेरेंट्स के साथ में जान पहचान होती है और फिर जो है वो हमारे प्रोस्पेक्ट बनते हैं। तो कंपटीशन के द्वारा हम बार बार कंपटीशन करते हैं हमारे गुरुकुल मेंबर्स के लिए, और कंपटीशन के द्वारा वो जो है वो हमारे प्रोस्पेक्ट बनते हैं उनके पेरेंट्स। और बड़ों के लिए भी हम कॉम्पिटिशन भविष्य में करेंगे। तो ये सारे चीजें हम गुरुकुल में करते हैं, नॉलेज, कंपटीशन, मोटिवेशन और प्रोस्पेक्टिंग पे हम काम करते हैं। फीस मैंने आपको बता दी, आई थिंक ऑलमोस्ट सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने दे दिए हैं, लेकिन फिर भी अब मैं दर्शकों के पास आना चाहूंगा। और सरिता जी, आप कुछ पूछना चाहती हैं, कुछ बोलना चाहती हैं गुरुकुल के बारे में? अच्छा प्लेटफॉर्म है मेरे ख्याल से, सभी लोग मुझे ऐसा लग रहा है पहली बार मिले ज्वाइन करना चाहिए, कहीं ना कहीं आप लोग कनेक्टेड रहेंगे। परफेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सरिता जी आपको भी और हमारे सारे दर्शकों को। और अब मैं आना चाहूंगा हमारे दर्शकों के पास आना चाहूंगा और दर्शकों को मैं ये बताना चाहूंगा, देखिए बीआईटीवी गुरुकुल के बारे में हमने जानकारी दी है, इसके अलावा हमने इंश्योरेंस एडवाइजर के चैलेंज इस प्रोग्राम को भी चलाया। तो अगर आप हमारे इस प्रोग्राम में आना चाहते हैं इंश्योरेंस एडवाइजर के चैलेंज, तो आप बीआईटीवी का जो कस्टमर केयर नंबर है उस नंबर पर फोन करके आप बोल सकते हैं कि मैं भी इस प्रोग्राम में आना चाहता हूं, आपके साथ में भी हम प्रोग्राम करेंगे। गुरुकुल के बारे में भी हमने जानकारी दी है, अगर आप गुरुकुल में ज्वाइंट होना चाहते हैं तो भी आप कस्टमर केयर नंबर पर फोन करके गुरुकुल के बारे में और डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी हमने एक लिंक रखी है, इस लिंक के द्वारा आप गुरुकुल के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। और यू नो उसमें एक फॉर्म है, उस फॉर्म के द्वारा आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। तो हर तरीके से हमने आपको सुविधा दी है, आप हमारे फ्री प्रोग्राम में भी आ सकते हैं इंश्योरेंस एडवाइजर के चैलेंजेस, आप हमारे पेड प्रोग्राम में भी आ सकते हैं गुरुकुल, और बीआईटीवी का पूरी तरीके से आप फायदा ले सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को आपके जान पहचान में जितने भी इंश्योरेंस एडवाइजर हैं वो सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के साथ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता लगे कि बीआईटीवी के साथ फ्री में भी जुड़ा जा सकता है, पेड भी जुड़ा जा सकता है। इसकी जानकारी हर एक इंश्योरेंस एजेंट को होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बीआईटीवी चैनल पर आपका स्वागत है। बीआईटीवी यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।